अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम बनाएंगे चरवा रोस्ट और उसको मसाला लगाएंगे पहले हम, और हम 3 से 4 घंटे के लिए उसको मसाला लगा के तो रख देंगे। ठीक है जी, हमने साफ कर लिया है ये देखें, ठीक है, और इसको कट लगा लिए। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, ये हमने लिया है 3 से 4 चम्मच, यही वाले चम्मच लिए हमने दही के, और ये 3 चम्मच हमने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये जनाब हमने लिया है 2 चम्मच लिया नमक, आधी चम्मच हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच जो है हमने भुना पिसा जीरा लिया है, और 1 चम्मच हमने जो है पिसा गरम मसाला, और आधी चम्मच हल्दी, और 1 पिंच हमने जर्दा रंग, और 1 पिंच 1 से 2 चुटकी हमने लाल कलर लिया है। ठीक है, उनको मिक्स करते हैं। इसमें डालेंगे दही, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे मसाले चले जाएंगे इसमें। ठीक है जी, हमने चिकन दिया। ठीक है जी, हमने इसको अच्छे से लगाना ऐसे करके अंदर तक। ठीक है जी, जब हमने कट लगाए हैं उसमें अच्छे से भर देना इसको, इधर से भी, इधर अच्छे तरीके से ही हमने लेग पीस में भी लगाए हुए हैं कट। ठीक है जी, हमने इसकी बैक पे भी लगाना मसाला, अच्छे से हमने इसका मसाला लगा के मैरिनेट करके अच्छे से इसको, हमने इसको 3 से 4 घंटे रखना है। ज़्यादातर हम इसको ओवरनाइट रखते हैं और अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है जी, ये ज़्यादा मज़े का बनता है। ये हमने 1 चिकन को मसाला लगा लिया है, तो हम अच्छे से देख लेंगे इसको और अंदर भी भर देंगे इसके मसाला। ठीक है, ये देखिए हमने ऐसे करके इसके अंदर सारे मसाला लगा लिए, और हम ये दूसरा लेंगे अपना चिकन। ठीक है जी, ये हमने हमारे 2 चिकन ये देखिए। ठीक है जी, ये हमने इनको मसाला लगा के और रख दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। ये देखिए जी, ये हमने चिकन को मसाला लगाया था, तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। ठीक है जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और इसको रोस्ट करेंगे चिकन को, और आपको दिखाएंगे। ठीक है जनाब, चलो इसको रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब हम डाल के पूरा के पूरा इसमें डाल देंगे। अब हम लोग की थोड़ी फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। पहले हमने लो पे रखी थी, तो डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग लाके डाल देंगे। ठीक है जी, अब हम इसको
कवर कर देंगे ताकि जो स्टीम है वो उसका जो इसके ऊपर आएगा उसका मसाला इसके ऊपर ही रहना, ठीक है जी। फिर इसको कवर कर रहे हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। चलिए जी हम देखते हैं फिर। ये देखिए तो हमारा ये जो है चिकन रोस्ट दूसरी तरफ कवर कर देंगे, ठीक है जी। इसके लहसुन पकता रहेगा। चलिए जी हम चेक करते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ पे अब हम इसको कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। स्टील ऐसे इसके ऊपर डालते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये अंदर तक से पक जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। अच्छे से स्टीम हो जाए और पक जाए फिर हम इसको निकालेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ठीक है जी। चलेंगे अब हम देखते हैं। हमारा चर्चा रोस्ट बहुत अच्छे से बन के रह रही है, ठीक है जी। ये देखिए हमारे लेफ्ट, ठीक है जी।
सारे अच्छे से जम के बैठ गए, हम इसको निकाल लेते हैं। हमने बना लिया है, एक और भी डाल के मसाला सारा इसमें डाल देंगे। चले जी, हमारा चरवा रोस्ट रेडी है, ये देखिए। ठीक है जी, ये बारबेक्यू सॉस है, इसके साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। ठीक है जी, खाइए, हेल्थी रहिए, हेल्थी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।